सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, यहां पे एक ब्लॉक रखे हैं जिसका मास 2 केजी है और इधर एक ब्लॉक है, या मान लो इसका मास 3 केजी है, इसका मास 2 केजी है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है, बताना है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। हम लोग जो है तो जैसे न्यूटन्स लॉ में क्वेश्चन बनाते थे तो किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते थे, इसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखते थे, इक्वेशन लिखने के बाद सोल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो जिस डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन माने हैं उसी डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन होगा, और सोल्व करने के बाद अगर वैल्यू निगेटिव आता है तो हम लोग जितना एक्सेलरेशन माने थे या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माने थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, पर मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो कैलकुलेट होकर आया है। ये काम हम लोग फ्रिक्शन में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना है, तो तुम अगर मान रहे हो मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ होगा, इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा, अगर मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, तो तुम अब ये नहीं कह सकते हो कि उसमें जो वैल्यू आया उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन होगा, अपोजिट के लिए तुमको फिर से इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर हम कोई एक डायरेक्शन मान लेते हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन तुम दो तरह से निकाल सकते हो, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के, या तुम कर सकते हो दोनों को एक सिंगल सिस्टम लेके बना सकते हो। ठीक है, अगर सिंगल सिस्टम हम लोग लेके बढ़ते हैं, सिंगल सिस्टम देखो दोनों को अलग अलग लेना और दोनों को एक सिंगल सिस्टम बनाना, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इधर टेंशन आ रहा था, जब दोनों को अलग अलग लोगे तो इसमें एक टेंशन आएगा, इधर एक टेंशन आएगा। ठीक है, और उस टेंशन को इलिमिनेट करने के लिए जो भी काम करोगे, दोनों इक्वेशन को तुम लोग यूजुअली जोड़ देते हो तो टेंशन इलिमिनेट हो जाता है, तो जोड़ने के बाद का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जब तुम सिस्टम लेते हो तो डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, इसको तुमको प्रॉपर ढंग से समझना है कि यहां पे हो क्या रहा है। तो तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट बनाया है उसमें इक्वेशन बैलेंस करना सीखे हो, और बैलेंस करने का एक तरीका जो है सो हाफ रिएक्शन लिख के, इलेक्ट्रॉन तुम लेते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेते हो, और ऑक्सीडेशन हाफ का इक्वेशन लिखते हो, रिडक्शन हाफ का इक्वेशन लिखते हो, दोनों में एक सेम टर्म आता है ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इतना दिया इधर इतना दिया, और फिर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलिमिनेट कर देते हो तो तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। सेम चीज यहां हो रहा है, जब तुम दो टुकड़ा में इक्वेशन लिख रहे हो तो एक टी टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, और इधर टी के टर्म्स में तुम्हारे पास इक्वेशन आ रहा है, उस साइड टी के टर्म्स में इक्वेशन आ रहा है, दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो टी टर्म इलिमिनेट हो जाएगा और तुम्हारे पास एक दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आएगा। तुम जब इसको एक सिंगल सिस्टम लेके बढ़ते हो तो तुम डायरेक्ट उस कंबाइंड इक्वेशन को लिखते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये दोनों दो अलग अलग तरीका नहीं है, वो एक ही तरीका है, जस्ट जो पहला तीन स्टेप है इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम लिखना, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन में से टेंशन को इलिमिनेट करना, ये तीनों काम हम लोग एक सिंगल स्टेप में कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझो, अगर फिजिक्स में और जगह पे हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, हाफ रिएक्शन वाला, ठीक है, कि जहां पे हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है वहां हम लोग एक बीच का कोई इंटरमीडिएट वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कर रहे थे कि डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उठा लिए और उस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दोनों तरफ इक्वेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन को इलिमिनेट कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेम काम हम लोग फिजिक्स में और जगह पे करते हैं, जब भी डायरेक्ट इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होता है बीच का कोई एक इंटरमीडिएट चीज उठाते हैं, हाफ इक्वेशन इधर के लिए लिखते हैं, हाफ इक्वेशन इधर के लिए लिखते हैं, फिर उस इंटरमीडिएट को इलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन चला आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जब आएंगे ऐसा काम फिर से कर रहे होंगे, फिर से हम इधर ध्यान दिला देंगे, अभी तो समझने का प्रयास करोगे। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, इधर जो है सो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा सोल्व हो गए तो वो आ जाएगा mg साइन 30 डिग्री यानी 15 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद इस पे जो ग्रेविटी होगा सो इधर की तरफ आएगा mg cos 60 डिग्री और 20 cos 60 डिग्री, cos नहीं साइन 60 डिग्री,
20 साइन 60 डिग्री लेंगे तो इधर की तरफ आएगा 10 रूट 3। हम अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ मान रहे हैं तो फ्रिक्शन इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, और इस पे फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। म्यू का वैल्यू 0.5 है, जी की जगह 10, मास हो गया 3 और कॉस 30 डिग्री हो गया रूट 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 रूट 3/2। ठीक है, ये समझ में आया। इस पे फ्रिक्शन हम लोग लिखेंगे तो यहां म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर फ्रिक्शन होगा। म्यू हो गया 0.7, जी 10, तो 7 आ गया, दूना 14, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो इधर आ जाएगा 7 न्यूटन। ठीक है, अब जो है सो तुम इक्वेशन लिखोगे तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का मास हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग ए मान रहे हैं, और अब इक्वेशन आ जाएगा 15 इधर की तरफ फोर्स माइनस 10 रूट 3 माइनस 15 रूट 3/2 माइनस 7। और देख सकते हो यही इससे बड़ा हो जा रहा है, 15 है ये अप्रोक्सीमेटली 17 होगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू निगेटिव आएगा, यानी जिधर हम मान रहे हैं उधर एक्सेलरेशन होना नहीं है। अगर उधर एक्सेलरेशन नहीं होना है तो तुम क्या करोगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अपोजिट मानोगे, और जब अपोजिट मानोगे तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, डायरेक्शन इसका पीछे की तरफ हो जाएगा 7 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा 15 रूट 3/2 न्यूटन। ठीक है, और अब इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 5a टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इधर की तरफ फोर्स 10 रूट 3 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15 रूट 3/2। 15 है, 7 है, 22 है, ये 17 है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो चुका है, यानी उधर भी नहीं जाएगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा, तो किधर जाएगा, वही रुका रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर रुका रहेगा तो हमारे मैथमेटिक्स से एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो आना चाहिए, गलत वैल्यू क्यों दे रहा है, हम लोग ऐसा क्या गलती कर रहे हैं कि मैथ गलत वैल्यू दे रहा है। मैथ गलत नहीं बोलता ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता है, मैं तुमसे मजाक नहीं करता है, जो बात है सीधा सपाट तुम्हारे सामने रख देता है। तो जो है सो यहां पे ऐसा हम लोग क्या गड़बड़ किए हैं कि मैथ जो है सो गलत रिजल्ट दे रहा है। इस गड़बड़ को लेके सावधान रहोगे, सबसे कॉमन मिस्टेक है फ्रिक्शन का क्वेश्चन बनाते समय कि तुम फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन ले रहे हो। म्यू एन क्यों होगा, म्यू एन तभी होगा जब मोशन होगा, बात समझ में आया। फ्रिक्शन अगर रेस्ट में है तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका वैल्यू जीरो से लेके म्यू एन के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पे फ्रिक्शन को उसके मैक्सिमम वैल्यू पे दे रहे हैं बिना ये जाने हुए कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस में आया। तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट स्टेप हम लोग का ये चेक करना होगा कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये कैसे चेक करेंगे, ऐसे नहीं, इधर जो है सो 17 न्यूटन के आसपास फोर्स दे रहे हैं, इधर 15 न्यूटन के आसपास फोर्स दे रहे हैं, ये 7 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, ये 15 रूट 3/2 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, तो नेट फोर्स जो है सो मुश्किल से 2 न्यूटन है, और ये दोनों जो रोकने में कैपेबल है ये 7 है, और ये देख सकते हो 7 से बड़ा है। ठीक है, ये जो है सो करीब कितना आ जाएगा, 7.5 रूट 3 है 17 जो भी है, कैलकुलेट करके ले आओगे 12-13 न्यूटन के आसपास आएगा। ठीक है, तो 20 न्यूटन के आसपास नेट फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। तो एक तो ये बात है कि उस साइड मोशन होना नहीं है, इधर वाला फोर्स बड़ा है, ठीक है, उस साइड मोशन होगा नहीं, और इधर भी मोशन नहीं होगा क्योंकि दोनों मिलकर जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा ये दोनों फ्रिक्शन रोकने में कैपेबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट इतना काम करोगे यहां से तुमको दिख जाएगा कि इसमें मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मोशन हो रहा होता तो भी हम लोग यहां से आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तुम सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर लो और चेक कर लो कि दोनों तरफ जो फोर्स में डिफरेंस है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों कंबाइंड, वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर कंबाइंड वैल्यू नेट फोर्स से बड़ा आ रहा है तो मोशन नहीं होगा, और उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अगर छोटा आ रहा है तो नेट फोर्स तुम आसानी से निकाल सकते हो, उसको टोटल मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
समझ गए? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।